एक गरिमा जी हैं, वो पता नहीं पूरा एरियल व्यू दे रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। ओ कोई बात नहीं, हम आपको देख रहे हैं, हम व्लॉग नहीं देख रहे, आपका व्लॉग नहीं देख रहे हम ये। आप जो व्लॉग बना रहे हो ना, व्लॉग बना रहे हो, घर की लेंटर दिखा रहे हो कि लेंटर पड़ा हुआ है हमारे घर में, लाइटें भी है हमारे घर में, अलमीरा भी है। तो अच्छा, गरिमा ने लिखा आई कांट हेयर यू। गरिमा, वी कांट हेयर यू टू। गरिमा है कहाँ पे यार? गरिमा कुछ तो गरिमा रखो शोकी। अरे सर इधर ही हूँ मैं। अरे गरिमा अरे आप से जो व्लॉग बना रहे थे, व्लॉग चला रहे थे आप जूम कॉल पे। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। गरिमा जी आप क्या करते हो व्लॉग बनाने के अलावा? डांस करती हूँ सर। किस तरह का नृत्य करते हैं आप? नृत्य करते हैं आप? वेस्टर्न। यार तुम्हें समझ नहीं आता है वेस्टर्न करता क्यों है। वो तो ना वो क्या कहते हैं ये, एक तो ना सारे जो डीआईडी आते हैं ना, डीआईडी करके उसमें सारे जो बेचारे इतने इमोशनल, तुझे सच है पता है ना मां, तुझे सच है पता मेरी मां। और कर लो ना माँ, समझ में आ गई हमारे को। ये ऐसे 15 बार ये एक ही मिनट के अंदर माँ पता है ना माँ माँ माँ, ऐसे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं देखना होता है। हर हफ्ते माँ आ जाती है, हर हफ्ते माँ आ जाती है, वो हर तरीके से वो लाइक। आप इसे प्रोफेशनली कर रहे हो आप इसको? हाँ जी हाँ। और कहाँ पे हैं, कहाँ किस सिटी से हैं आप? दिल्ली। अरे काफी सही। तो फिर मुंबई जाने का आपका मन है, मुंबई जाने का आपका? हाँ जी। चलिए ठीक है, ऑल दी बेस्ट कि आप जाएं और मतलब फिर वही करिए, मैं कभी तुझे सब है पता मेरी माँ। अरे डॉक्टर नितिन पटेल जी, नितिन जी आई जस्ट विश यू कि आप मतलब जल्दी ठीक हो जाएं। बट आप कहाँ पे, कौन सी सिटी में आप? मैं अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में, ओके। और कौन से डॉक्टर हैं आप, मतलब कोई स्पेशलिस्ट हैं आप कोई ऐसा? आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके फाइन, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मतलब किसी को यही अच्छे लग रहा है, प्रिंसी इस चीज पे हंस रही है। ओहो डॉक्टर पता नहीं क्या हो गया, देख रहे हो मतलब किस चीज का एक्सपीरियंस? कोई प्रिंसी जी क्या हो गया आप बताइए, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ठीक तो हैं? हाँ। अरे नहीं, वो एक्चुअली सीनियर है। अच्छा आपके सीनियर है? ओ आई एम जी। नहीं लाइक आई डोंट नो हिम बट आई नो कि वो सीनियर है। कोई बात नहीं, मेडिकल फ्रेटर्निटी में सब सीनियर ही होते हैं। कोई बात नहीं, आप भी हो जाओगे एक दिन में, चिंता ना करो। प्रिंसी पर नाम कैसा है? डॉक्टर प्रिंसी कैसा लगेगा नाम बोलते लोगों को? डॉक्टर प्रिंसी, इलाज नहीं कराऊंगा डॉक्टर प्रिंसी से। जी बताओ जितने यहाँ बैठे हो, आप में से कभी होगा जिंदगी में प्रिंसी से इलाज करा रहे हो? मेरा डॉक्टर प्रिंसी मेरी डॉक्टर है। बट प्रिंसी का मतलब क्या होता है? मतलब प्रिंसी जो प्रॉपर प्रिंसी नहीं बन पाई, क्या सीन है ये? Actually, my parents were expecting a boy, तो उसका नाम प्रिंस। हे भगवान, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे जवाब आएंगे। तो उन्होंने गुस्सा निकालने के लिए प्रिंसी रख दिया। गुस्सा निकालने के लिए प्रिंसी रख दिया नाम आपका। यार ये नहीं यार, ये तो बहुत ही है मतलब। और घर का नाम क्या है? सुरेश। Even my pet name is better than like my official name. वो तो मुझे लगी रहा, प्रिंसी से तो हर कोई बेटर ही होगा। कोई भी नाम प्रिंसी से तो फार बेटर ही होगा प्रिंसी से। बट क्या नहीं, घर का नाम क्या आपका? पिंकू। हाँ। पिंकू इज स्टिल फाइन। डॉक्टर पिंकू से इलाज करा रहा हूँ। इनमें से किसी के भी चेहरे देख लो, अगर आप बोलोगे ना फ्री में कराऊंगा इलाज कराऊंगे तो भी ये कराएंगे। डॉक्टर पिंकू, मजा ही नहीं, फील ही नहीं आ रही हमें। बट ठीक है, मतलब वो कोई बात नहीं। कनक जी कैसी हैं आप? कनक आपका नाम तो नहीं है कनक? मैं एक ही शो में दो ऐसे नाम नहीं ले पाऊंगा आज। मेरा नाम क्यों नहीं है? अच्छा आपका नाम कनक ही है जी। कनक क्या करते हैं आप? सीए हूँ। क्या है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओह माय गॉड, ये सारा सीईओ के लिए शो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लक्ष्मी नगर में शो कर रहा हूँ। मैंने पहली बार किसी कॉमेडियन के शो में इतना इंटेलिजेंट ऑडियंस देखा है। अदरवाइज सारे फ्री लोग आते हैं, इंजीनियर या फिर सिर्फ इंजीनियर। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मेरे शो में प्रिंसी नाम की लड़की आई है। इमरजेंसी रूम में मिले ना कभी, इलाज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैरोटिड में मैं आऊंगा नहीं, मैं खुद ही मार लूंगा चाकू। मैंने कहा नहीं मुझे इलाज नहीं कराना इनसे। जस्ट किडिंग। आप अरे ये कौन है? ये श्रिंकी नाम है इनका, श्रिंकी। कौन है बता दो, बस बता दो। प्रिंसी कौन है ये? प्रिंसी माइक ऑफ है आपका। she's my sister. उनका नाम क्या है? उनसे खुंदक तो नहीं है, उनका नाम पूछना पड़ता है। नाम बताओ बस उनका, बस नाम बता दो बस आप उनका। अंजलि। ये पापा उस टाइम शाहरुख खान के फैन थे या सुनील शेट्टी के आज चले? नहीं आपके फैन थे। अरे मेरे फैन थे बट उस टाइम पैदा थोड़ी थे, मैं तो बहुत तभी बना हूँ, पर वैसे बता रहा हूँ। हाँ मतलब अंजलि नाम क्यों रखा गया? पसंद था उन्हें। सॉरी मुझे पसंद था, आप पसंद नहीं थे बस। कोई बात नहीं मैम, प्लीज ध्यान रखो इसका। हाँ। मेरा नाम इन्होंने रखा, मतलब लाइक अंजलि ने प्रिंसी रखा। वर्ल्ड वाइड बेइज्जती कर रही है। वर्ल्ड वाइड बेइज्जती नहीं, कोई बात नहीं। प्रिंसी से क्या बुराई होगा जिंदगी में? अंजलि जी मुझे बस आपसे जानना है। सर आपने प्रिंसी नाम रखा, बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सिर्फ एक सवाल है बस, बाकी मैं कुछ नहीं पूछूंगा। कि कभी आप मर रहे हो अचानक, एकदम से एकदम दर्द हो रहा है और आपको बोल रहा है कि डॉक्टर प्रिंसी आएंगी, तो क्या आप इलाज कराओगे? बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बस एक शब्द है मेरे मन में ऐसे। अरे वो पहले ही नाम सुन के खुश हो जाएगा ना, इतना प्यारा नाम है, मरेगा कौन? कौन करना चाहेगा? याद रखना जिंदगी में कि आपको फंसाने वाले आपके भाई बहन ही होते हैं। हाँ। नाम क्या है? रजत चौहान। रजत चौहान भाई अच्छा ये पूछ रही हैं, वरना मेरा नाम भी रख देती है। मेरा नाम आज रजनी होता। हम देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी शो रजनी। सॉरी कोई बात नहीं। प्रिंसिपल इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसी का मतलब वो तो मुझे पता लग गया, डिसअपॉइंटमेंट। मतलब पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट इज ए प्रिंसी, मतलब वो तो मुझे पता लग गया एक वर्ड। रजत का क्या मतलब होता है? चांदी। मैम रजत पदक होता है, रजत पदक। अच्छा रजत। हाँ गोल्ड इसलिए रखा क्योंकि गोल्ड पंजाबी ने रखा है, गोल्डी पंजाबी होता है ना, पंजाबी गोल्डी होते हैं सारे। कोई बात नहीं प्रिंसी, कोई बात नहीं प्रिंसी। आप एसी क्यों दिखा रहे हो बार बार हमें? एसी नहीं, फोन चार्जिंग में लगा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। दीपक जी आप क्या करते हैं? आपकी मेहरून नगद दीपक जी क्या करते हैं आप? बिजनेस। किस चीज का सर, किस चीज का? फुटवेयर। सर व्यवहार अच्छा होना, तो जूते चप्पल तो कभी भी पड़ जाते हैं। भाई कौन है यार क्या है यार? कोई एक तो भाई बहुत सच में नॉइस कर रहा है ये बंदा। नेहल्स वॉइस इज डिस्टर्बिंग आई गेस। प्रिंसी जी आपका एसी तो नहीं है? नहीं। उन्होंने एसी रखा हुआ है शो ऑफ करने के लिए, रखा हुआ, चलाते नहीं है वो। आप ही वजह से नहीं चला रखा, आवाज नहीं है। So nice of you, so thoughtful. कोई बात नहीं, चलो ठीक है। I want to give you a compliment because like every show of yours have been a mood later for me, so I'm very very. Thank you sir, thank you for saying this. बस अब हमारे लिए मूड चेंज हो गया। नहीं मैंने भी अभी आपका शो देखा है, मतलब कोरोना हुआ तो 2 वीक के लिए मैं आइसोलेशन में हूँ, तो अभी 1 वीक खत्म हुआ, 1 वीक बाकी है, तो तभी मैं ऑनलाइन, मतलब अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बाकी टाइम नहीं रहता, तो अभी मैंने YouTube पे आपके वीडियो देखे एंड फिर ये फेसबुक वालों को पता चल जाता है तो उसमें सिर्फ ऐड देखी फेसबुक में कि रजत चौहान का लाइव हुआ है। आपके जेब्रा एलीट के है ना? क्या आपके जेब्रा एलीट के है ना? किस चीज के मैम? क्या बस ये कहाँ से टॉपिक आ गया इस बात में? नहीं मेरे पास भी है इसके। सेम टू यू, बैक टू मी। ये आपके पास भी ना, मैं आज से पहनूंगा ही नहीं है। नहीं अरे मजाक करो प्रिंसी, आप कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने पैसे खर्च करे हैं इसके लिए। बल्कि आप अपने लिए भी कोरियर कर दो मुझे। मुझे कभी लड़की बोलती ना कि तुम्हें सैंडल उठा के मारू, मैंने कहा दोनों मारना, घर में कोई पहन लेगा मेरे। इन चीजों में नहीं आता ना लाइफ में, इतना टेंशन है लाइफ में अंदर। एंड मिलते हैं कभी आराम से, आप लोगों से मजा आया काफी। केशव जी ने कोई बात ही नहीं करी पूरे शो में, केशव जी ने हाँ ही नहीं करा एक बार भी। केशव जी ने अपनी धड़ दिखा रखी है, ऐसे दिख रही थी बस स्क्रीन के अंदर, ऐसे ऐसे बस। एक बार ही देखो, अभी देखो धड़ दिखता है, सिर्फ धड़ दिखता है, ऐसे दिख रहा था बस, ऐसे मूर्ति दिख रही थी स्क्रीन के अंदर, विंडो के अंदर। बट ठीक है। एक ईशान डोगरा जी थे। ईशान जी कैसे हैं आप? आपसे बात ही नहीं एक बार भी, सो एक्सट्रीमली सॉरी। शो के बाद हम कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, आप सुनाओ क्या करते हो सर? पीछे आपने दीवार पे कैलेंडर लगा रखे हैं दो, किस चीज लिए लगा रखे हैं सर? ये ऐसे ही लगा रखे हैं दीवार को सर। कैलेंडर क्यों लगा रखे हैं? फाड़ दो उतार के सर, अभी दुख है ये तो। ये सर दुख तो है, लेकिन क्या करें सर, इस पे संडे मंडे दिखता है। मैंने कहा संडे को जाना कहाँ है, घर पे रहना है। वही तो कह रहा हूँ, तो हटाई दो। मैं तो फाड़ दिया, मैंने तो उस दिन फाड़े और मैंने आग लगा दी, मैंने कहा हैप्पी होली। हम भी फाड़ देंगे सर रक्षाबंधन पे। तो आपने डेट चुनी हुई है, रक्षाबंधन पे ही फाड़ेंगे। ठीक है सर, क्या करते हैं सर आप कैलेंडर फाड़ने के अलावा? सर मैं सीएम में हूँ। सीएम में क्या होता है? अरे सारे आज सीए का ही शोर था यार, ये मैं शो का नाम था सीए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बातें करता रहूंगा एक घंटे, मेरे साथ बड़ा चलता रहता है। आप कोई पूछा, क्या पूछना किसी को? कौन रह गया कोई पूछने के लिए? मुझसे नहीं बात की। एक बात बताऊं? अच्छा भाई, प्रतीक से बात नहीं करी, प्रतीक बुरा मान रहा है। एक्सक्यूज मी, दीपक जी रुकिए, आप उसको मानने दो। हाँ, प्रतीक जी बताइए, क्या आपने मुझसे बात ही नहीं की? अरे भाई ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है मेरी साली। जीजा जी आपने तो मुझसे बातें नहीं करी। जीजा जी आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं नहीं बात करी आपसे। अरे प्रतीक भाई कोई बात नहीं, तो आप अच्छे दोस्त हो यार, कोई बात नहीं। क्या करते हैं प्रतीक आप? क्या करते हैं आप? सॉरी क्या कर रहा हूँ, नहीं समझा क्या कर रहे। अच्छा आप भी, अरे ये तो पूरा सारा सीए का था सबके सब, मैं तो ऐसे फालतू है यार। सर आप क्या करते हो? दीपक जी आप क्या करते हो? बिजनेस थे ना आप तो? जी हाँ। तो सर आपके बिजनेस में इतना तो कमा रहे हो कि सीए को हायर कर लो किसी को? अभी नहीं कमा रहा ना, घर पे बैठा हूँ मैं भी। तो सर ये आपकी प्रॉब्लम है, फिर इनकी प्रॉब्लम नहीं है फिर ये। हाँ नहीं, कमा तो सभी रहे मैम। देखो पर जितने भी सीए वाले ने बंदे, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा सीए मिल जाता आज, आपको ऑफर देते अमेज़न लाइटनिंग डील देते हैं, अमेज़न लाइटनिंग डील। भाई सब अच्छा सा बता दो कितना पेमेंट क्या है, जिसका सबसे कम हो उसको हायर कर लेंगे। बस सर मैं आपको मेल एड्रेस देता हूँ, आप मेल एड्रेस पे डाल दीजिएगा। आप आपको सारे बंदे बताइए। इस शो का एक बेनिफिट है, पता है क्या? बस बताइए क्या? जैसे आपके स्टैंडअप शो में हम आते हैं ना, हाँ, आगे की 5 रो में जो बैठता है ना, इस वाले शो में सबकी लग जाती है ऐसे तो। नहीं, इस वाले शो में अगर मैं म्यूट कर दूं, मैं अपने आप को ब्लॉक कर दूं तो जब आपने म्यूट कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो फिर आप हो क्यों शो में? ऐसी क्या मजबूरी है फिर आपको शो में आना ही आना है फिर? अरे नहीं, इसमें ये सुख है। दिल्ली आया था अपना शो देखने के लिए। अच्छा आप मुझे आपको देखा हुआ, मैंने वो लग रहा है आप लाइव शो में आए हो ना, लाइव शो में आप आए हो ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। कनक जी ने एक बार ही बात नहीं करी। कनक जी इतनी रूठी हुई है ना हमसे, इतना रूठी हुई है। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि 6 शो, 25 लोग, 399 कितना टैक्स लगने वाला है। दीपक जी आप जब भी पैसे कमाएं आप इनको चुनिएगा, कनक जी को। तो enjoyment के अंदर भी कैलकुलेशन ढूंढ रहे हैं। अरे रजत, every CA has done this और every CA does it। हमारे टीचर्स क्लासेस में यही चलता था। I know। बाकी कनिका जी ने कैलकुलेट कर लिया कितना मैंने कमा लिया पैसा, तो बाकी तो कनिका जी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। कनिका जी आप बहुत अच्छे इंसान। कनिका जी मतलब आर यू मैरिड? नो, सिंगल। क्यों, मतलब क्या कमी रह गई? कैलकुलेटिव, काफी कैलकुलेटिव रहते हो आप। हाँ। पर आपको लड़के में क्या चाहिए क्वालिटी? मतलब मैं सीए लोगों से पूछना चाहता हूँ, सीए काफी लोग इकट्ठे हुए हैं आज, तो वैसे पूछ रहा हूँ सीए को क्या पसंद आता है लड़कियों, मतलब लड़कियों आपको लड़कियों में क्या चाहिए क्वालिटी? सर टैक्स सेविंग नहीं समझ नहीं आया क्या होना चाहिए? टैक्स सेविंग फॉर्म नंबर 16 भरा होना चाहिए, एसेट लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए, बिना जीएसटी वाला लड़का नहीं। हाँ उसका 10 नंबर होना चाहिए, 10 नंबर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन परमानेंट होना चाहिए काफी, मतलब। और बाकी लड़का दिखता कैसे भी हो, मतलब एक आंख हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिसेबिलिटी में एडवांटेज मिल जाता है, उसका डिडक्शन मिल जाता है इनकम टैक्स में। अरे भगवान नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट करते हैं सब लोग, चलो बाय बाय सब लोग, बाय बाय, चलो बाय बाय, हाँ बाय बाय, चलो बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच।